हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं तस्लीम शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल कारवा जायके का। फ्रेंड्स, फेस्टिवल टाइम चल रहा है और सभी लोग आजकल स्वीट्स बनाने में लगे हैं, तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो मिठाई बनाने जा रही हूँ उसका नाम है कलाकंद, और जो बहुत ईजी एंड क्विक रेसिपी है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने सोचा आज मैं यही ट्राई करती हूँ, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये 1 टेबल स्पून घी डालूंगी। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये मेरा पनीर रखा हुआ है, ग्रेटेड पनीर है। ये देखिए, एक बाउल भर के ये पनीर है, इसको मैंने ग्रेट करके रखा, ये हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से घी में पहले हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। पनीर को घी में फ्राई करने से थोड़ा सा उसका टेस्ट और अच्छा सा आ जाएगा, और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। तो देखिए, मैंने इसको कम से कम 30 सेकंड तक मैंने इसको घी में फ्राई किया है। अब इसके बाद में मैं इसमें देखिए आधा बाउल भर के जो है, इसी बाउल से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, इससे मैं ये आधा बाउल शक्कर डाल दूँगी। देखिए, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दूध, यानी जो हमने बाउल लिया है उसी बाउल से ये आधा कप दूध है, ये इसमें डालेंगे और इसको हम कंटिन्यूसली चलाएंगे, इसकी जो शक्कर है उसको घुलने तक। इसको हम बराबर से चलाते रहेंगे। हाँ, तो देखिए ये शक्कर जो है हमारी ऑलमोस्ट घुल चुकी है सारी। अब हम इसमें एक बाउल भर के जो हमने आपको मेजरमेंट बताया था उसी से फुल भर के हम ये मिल्क पाउडर ले लेंगे, और इसको भी हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ने पाए, और हमको इसको कंटिन्यूसली चलाना है। ये देखिए, डालते ही थोड़ी देर में ये मेल्ट हो गया, और ध्यान रखिए कि इसके लम्स ना पड़ने पाए, और इसको हमको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, और इसको जो भी लम्स वगैरह हैं उसको तोड़ते हुए हम इसको आसपास से लेते हुए चलाते जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसको कंटिन्यूसली चला रहे हैं, इसको चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बस इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जैसे ही थोड़ी और थिक हो जाएगी मिठाई, हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, बहुत फटाफट से बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इतनी डिलीशियस है ये कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर में बनाई है या बाहर से मंगाई है, बल्कि बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। अगर आप इसको और ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं, और ज़्यादा आप इसको टेस्टी बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से तो इतना रिचनेस इसमें काफ़ी है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा और उसमें रिचनेस आए, तो आप थोड़ा सा ये काजू का पेस्ट है, पेस्ट नहीं है, पाउडर है, उसको मैंने पीस के रखा था, वो आप थोड़ा सा इसमें मिला दीजिए। इससे इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर। अब आप इसमें चाहे तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ,
क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इलायची का फ्लेवर, तो मैं इसमें नहीं डाली। आप चाहें तो इसमें कुछ एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो है पूरा तला छोड़ चुका है, सेपरेट होने लगा है बर्तन से, ऑलमोस्ट तैयार है ये। कंटिन्यूसली चलाना है हमको इसके। पूरा साइड से लेते हुए चलाना, बहुत कुछ भी टाइम नहीं लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेगा बस, और कोई भी टाइम नहीं लगेगा। सामान भी बहुत थोड़ा सा है, कोई ज़्यादा सामान नहीं है इसमें, टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, और फटाफट से इतनी अच्छी मिठाई तैयार हो जाती है घर के अंदर। आप इसको पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं, बर्फी के शेप में बना सकते हैं। देखिए हो गया ना, ये सेपरेट होने लगा है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, वरना फिर क्या हो जाएगा, मिठाई जो है थोड़ी सी कड़क हो जाएगी। और ये कलाकंद है या जो मावा बर्फी होती है, ये थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस ही रहता है। तो अब हम इसको देखिए, थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लगा, तो मेरे ख्याल से अब हमें इसे गैस का फ्लेम जो है अब हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हम ये बंद कर देंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको किस तरह से सेट करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी मिठाई रेडी है। हम इसको एक वेसल में, मैंने बटर पेपर लगा दिया था उसमें, मैं इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और ट्रांसफ़र करने के बाद में हम इसको अच्छे से पूरा स्प्रेड कर देंगे, और किसी चम्मच की मदद से उसको हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के टाइम में डाल दिया था, थोड़ा मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छी तरह से हमने इसको स्प्रेड भी कर दिया है, इसे स्मूथ कर दिया है। अब इसके ऊपर हम देखिए, मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाला है, अभी आपके सामने हो थोड़ा सा डालती हूँ मैं, और इसको हम अच्छे से टैप कर देंगे। देखिए, इसको प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसको हमने अच्छे से प्रेस कर दिया। अब हम इसको सेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा हम इसको रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, इस तरह से बंद करके। जब ये सेट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मलाई केक या कलाकंद बनके रेडी है, और हमने इसको ऐसी टिश्यू पेपर के साथ में इस वेसल में से निकाल लिया है, उससे निकालना आसान हो जाता है। और अब हमने इसको कट भी कर लिया है, देखिए इतना सॉफ्ट है कि आराम से कट हो जाता है, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए ये बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा कलाकंद। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, और मैं अकेले ही कुकिंग और शूटिंग दोनों ही करती हूँ, तो इस चक्कर में कई गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे बहुत बार कुछ बताना भूल जाती हूँ, कभी कुछ कैमरा ऑन करना ऑफ़ करना वगैरह वगैरह, और कभी कभी तो मेरा पूरा दिन इसी चक्कर में निकल जाता है रिपीट करते करते। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी गलतियों को इग्नोर करके प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा, इंशाल्लाह मुझे भी करते करते एक्सपीरियंस हो ही जाएगा और मेरे वीडियोज़ भी अच्छे बनने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।